जो सच बोलने वाला है, जो ऑथेंटिक काम करने वाला, ऑथेंटिक रहने वाला है, उससे सब डरते हैं। ये नहीं क्योंकि वो डराता है, ये नहीं क्योंकि वो अग्रेसिव है, ये नहीं क्योंकि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, क्योंकि सिर्फ वो काम कर रहा है। वो काम करने से उनकी डार्कनेस टूट जाएगी, डार्कनेस टूट जाएगी तो वो जो उनको सस्टेनेंस देती थी चीज वो रह नहीं पाएगी। जो ताने बाने बुने हुए थे, जो सबको कंफर्ट जोन में बिठाए हुए, सबको लगेगा अरे कंफर्ट जोन तोड़ दिया। जैसे लोग होते हैं ना, बोलते हैं फैमिली में क्या जरूरत थी ये बोलने की, पब्लिक में बताने की क्या जरूरत थी, अरे इसको बताने की, अरे क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की, चल रहा था तो चलने देते, सॉरी बोल देते, वो सॉरी कह देते, तुम कर देते। ये दिस इज द एग्जाम्पल। ये इतने मेजर स्केल पे होती है तो लोगों को लगता है अरे क्यों कर दिया, हम आराम से बैठे थे, क्यों हमारा हमारे सर में दर्द कर दिया, इनको चैन नहीं था, हम घरों में आराम से बैठे थे। जस्ट लेजी पीपल, जिन्हें खुद कुछ नहीं करना अपनी सारी जिंदगी में, कोई इनर वर्क नहीं करना, जिनको भगवान के ढोंग करने हैं, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो आपसे थ्रेटन्ड फील करेंगे, और जब उनको दिखेगा कि ये वर्क बढ़ता जा रहा है तो दे विल पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थिंग्स, अपनी एनर्जी से या मिलकर आपस में, या अपने थॉट्स में, या आपके लिए नेगेटिव थॉट से। जैसे मैंने शुरू से हमेशा किया है इन माई बर्थ फैमिली, इन माई मैरिड फैमिली, एवरीवेयर, जो चीजें मुझे लॉजिक नहीं लगती हैं, जस्ट बिकॉज वो कंटिन्यूएशन ऐसे होता है, कोई कुछ पूछता नहीं है, विच डोंट मेक सेंस टू मी, मेरे हार्ट को, मेरी ऑथेंटिसिटी को, मेरे सोल को सेंस नहीं करती, आई हैव ऑलवेज क्वेश्चन देम इन माई ओन वे एंड आई विल कंटिन्यू टू क्वेश्चन देम। और मुझे उससे कभी नुकसान नहीं हुआ है, मुझे अपने लिए खुद के लिए फायदा ही हुआ। मैंने ज्यादा सांस खोल के जिया है, मैंने फ्रीडम से जिया है, एंड मेरे गॉड से मुझे हमेशा उसके लिए रिकॉन्फर्मेशन ही आया है। हाई ब्यूटिफुल पीपल, वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल। कुछ समय पहले एक वीडियो में मैंने अपने लाइट वर्कर होने की बात शेयर की थी और बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से लाइट वर्कर होने से मेरी ज़िंदगी एक एवरेज ज़िंदगी से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं बुरी, ज़रूरी नहीं बेहतर, लेकिन डिफरेंट। उस डिफरेंस को मैं कैसे लेती हूँ, वो मेरे ऊपर है, मेरी परसेप्शन के ऊपर है, मेरी इनर गाइडेंस के ऊपर है, मेरे इनर लैंडस्केप के ऊपर है। उसको बुरा मानना है या उसको भला और बहुत बेहतर मानना है, गिफ्ट मांगना है, वो एग्जैक्टली मेरी अंदर की क्या गाइडेंस है, मैं कितनी इवॉल्व हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे, लाइट वर्कर हूँ तो हूँ, आज मैं बात करूँगी अपने एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर होने की भी। ये टर्म आजकल बहुत कॉमन यूज होता है स्पिरिचुअल लिंगो में, स्पेशली अगर कोई अवेकन्ड एम्पैथ है, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, अर्थ एंजल है, या फिर कोई डिसफंक्शनल फैमिली से आकर बहुत डीप स्पिरिचुअल जर्नी में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, जिसने बहुत बहुत इनर वर्क किया है, जिसको पता है कि वो यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल एवरेज लाइफ जीने नहीं आया है, उसकी ज़िंदगी अलग है, डिफरेंट है, उसका पाथ बहुत अलग है, बहुत एक डिफरेंट स्पिरिचुअल वाइब्रेशन पे है, जो एक डिफरेंट डायमेंशन पे है, तो ये अक्सर उस इंसान की जिंदगी में ऑफन वो पाएगा कि वो इंसान एक एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर भी है। खैर, जैसे मैंने कहा, ये टर्म आजकल स्पिरिचुअल लिंगो में बहुत कॉमन हो गया है, सबने सुना तो होगा एटलीस्ट। तो क्या मतलब होता है एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर का, समझना कुछ मुश्किल नहीं है। वर्ड से साफ जाहिर है कि एंसेस्ट्री, यानी कि जो हमारी लीनेज होती है, हमारे पूर्वज होते हैं, हमारी जो पूरी लीनेज, हमारे इमीडिएट ग्रैंड पेरेंट्स से लेके जो सारे पीछे के लोग हैं, वो हमारी एंसेस्ट्री है, वो हमारी सिर्फ ब्लड लीनेज नहीं है, वो हमारी एनर्जेटिक लीनेज भी है। हम वहां से जो गिफ्ट्स गेन करते हैं, वहीं हम वहां से बहुत सारी डार्कनेस भी गेन करते हैं, डिपेंडिंग हमारी एंसेस्ट्री कितनी अनहील्ड रही है और किन किन आस्पेक्ट्स में अनहील्ड रही है। और पाथ ब्रेकर यानी कि जो पाथ को ब्रेक करता है, क्योंकि समझने की बात यह है, एनर्जी जो है वो कभी खत्म नहीं होती, उसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, सिर्फ डायरेक्शन परिवर्तन हो सकता है, डायरेक्शन को दूसरी दिशा में चैनल किया जा सकता है, एनर्जी चेंज की जा सकती है, लेकिन वो समाप्त नहीं की जा सकती है। और इसीलिए वो जो एनर्जी होती है, जो लीनेज की एनर्जी, एंसेस्ट्री की एनर्जी, वो कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, और ऑब्वियसली यहां पर हम अनहील्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो पास ऑन होती जाती है इन अनसीन वेज एंड सीन वेज, इन ऑब्वियस वेज एंड अनऑब्वियस वेज, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एनर्जी कंटिन्यू होती जाती है थ्रू आउट फैमिली लाइन्स, लीनेजेस, फैमिली ट्रीज, जब तक कोई ऐसा नहीं आए जो उसके थ्रू देख ले और चॉइस करे, चॉइस, क्योंकि ये
फ्री विल है, ह्यूमन रियल में फ्री विल है हमारी कि हमें कौन सा रास्ता चूज करना है। जब तक कोई ऐसा नहीं आए जो अपनी फ्री विल से ये डिसीजन नहीं ले कि आई हैव सीन थ्रू दिस, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, आई एम चेंजिंग इट, आई एम शिफ्टिंग इट, आई एम टर्निंग अवे फ्रॉम इट, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, ताकि मैं ये अनहील्ड एनर्जी को, इसका पार्टिसिपेंट बन के, इसको इनेबल करके, इसमें फंस के इसको और आगे कैरी नहीं करूं। आगे कोई हील करना है, चेंज करना है, जरूरी नहीं है इस पर्पस से शुरुआत होती है, किसी को रिकॉग्निशन होती है कि मैं एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर हूं, लेकिन शुरुआत सबसे पहले इसी से होती है कि उनका खुद का डिस्कम्फर्ट, उन्हें अपने लिए वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, उस गुट का हिस्सा बनना, उस पैटर्न का हिस्सा बनना, वो जो भी पैटर्न्स चल रहे हैं, डायनेमिक्स चल रहे हैं, उनका हिस्सा बनना, उनमें हिस्सेदारी उनको खुद के लिए मंजूर नहीं होती, और वहीं से शुरुआत होती है एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकिंग के डीप डीप परसिस्टेंट कमिटेड वर्क की। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ होता है ये काम, आपके बाहर नहीं, दूसरों को राय देकर, सजेशंस देकर, चेंज करके, रेस्क्यू करके, हील करके नहीं, और तो वो भी जब जब करने की जरूरत है, अगर गाइडेड है, वो सब भी उसमें आ सकता है, लेकिन ये काम चलता है सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर के अंदर, इनर लैंडस्केप में, उसके एनर्जी फील्ड में, उसके हार्ट चक्रा में, उसके सोलर प्लेक्सस चक्रा में, उसके अंदर ये आंतरिक काम है, ये सारा उसकी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बन जाता है, उसकी अपनी खुद की हीलिंग जर्नी के साथ मिलजुल जाता है ये काम। तो क्या ऐसे कुछ सबसे बड़े ट्रेट्स होते हैं एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर के, क्या क्या वो चीजें हैं जो वो अपने अंदर पाते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें डिस्टिंग्विश करती हैं, ये मैं आज शेयर करूंगी अपने खुद के डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, आज मैं यही सब शेयर करूंगी। तो सबसे पहला होता है, ऑब्वियसली दीज पीपल आर डिफरेंट, बचपन से ही ये अलग होते हैं, ये बाकी के परिवार के जैसे नहीं होते। अब ऑब्वियसली इनके सर के ऊपर कोई हेलो नहीं होता, कोई एंजल का ताज नहीं होता, या फिर कोई डेविल के हॉर्न्स नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता जो देख के पता चले कि ये कुछ डिफरेंट है। हो सकता है जिसमें परसेप्शन हो वो अंदाजा लगा दे, जो बहुत हाईली इंट्यूटिव है या एनर्जी सेंस कर सकता है, वो ये अंदाजा लगा दे कि इस बच्चे की एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि डिफरेंट होते हैं, तो ऑफन उनको वो जो डिफरेंस है वो तकलीफ के थ्रू महसूस होता है, अपनी फैमिली से अलग होते हैं, यूजुअली बहुत हाई एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, और यूजुअली उनकी सेंसिटिविटी से उनको बहुत डिफिकल्टी होती है। नाउ दीज पीपल कैन ऑफन बी इम्पैथ्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इम्पैथ्स एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स होते हैं, ये भी आपको समझ आएगा आगे क्यों। तो जो एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स होते हैं वो यूजुअली बहुत एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। दीज पीपल कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ गिफ्ट्स, क्लेयरवॉयंट हो सकते हैं, मीडियम्स हो सकते हैं, बचपन से हो सकता है चीज़ें सुनती हूँ या दिखती हूँ, या फिर फील होता हो सब कुछ अपने अंदर, कुछ पता है, बड़ों का भी आसपास फैमिली में पता है, सेंस है, ये नहीं पता कि क्यों पता है, बट पता है बहुत यंग एज से। तो इस वक्त उन्हें नहीं पता कि हम डिफरेंट हैं, हम डिफरेंट हैं ये उन्हें बहुत साल आगे जाकर पता चलता है, जैसे मुझे पता चला था, जब उनकी जर्नी कॉन्शियसली शुरू हो जाती है, जब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत हाइटेंड एक स्टेज पर पहुंच जाती है, तब उनको सब कुछ दिखने लग जाता है, पास्ट का सब कुछ सेंस बनने लग जाती है कि हम हमेशा से डिफरेंट क्यों थे, ये अभी नई की बात नहीं है। तो स्पिरिचुअल जर्नी, अब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने, एक्टिवली स्पिरिचुअल जर्नी में कॉन्शियसली हो रही है, वो अगेन अलग चीज है, लेकिन उनकी स्पिरिचुअलिटी हमेशा से होती है, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अनकॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे हमेशा से ही वो तैयार होते हैं, इट्स ऑलवेज स्टार्टेड विद इन देम। सो दिस इज द नेक्स्ट ट्रेट, दे आर ऑलवेज ड्रॉन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल थिंग्स, एसोटेरिक थिंग्स, मेटाफिजिकल थिंग्स, मेटाफिजिकल लर्निंग्स, मेटाफिजिकल सब्जेक्ट्स, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, स्पिरिट की बातें, डीप इनर हीलिंग की बातें, और ये जरूरी, ये रिलीजियस बातें नहीं है, रिलीजन की तरफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट रिलीजन की जो महत्व है वो स्पिरिचुअल रेल में बहुत नीचे आता है। रिलीजन तो एक मैनमेड चीज़ है, आप उसको मान के, प्योरिटी से मान के कुछ पार भी कर सकते हैं, नहीं भी, वो डायरेक्टली आप उसका क्या बनाते हैं उसके ऊपर है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है
जिसमें सब कुछ समा जाता है, उसमें कोई डेफिनेशंस नहीं होती, मैन मेड क्लासिफिकेशंस नहीं होती. सो दीज पीपल आर स्पिरिचुअल, दे आर ड्रॉन, उनको जहां से भी मिले वो अंडरस्टैंडिंग, ऐसी किताब जो उनके घर में किसी और ने कभी पढ़ी भी नहीं, ऐसे सब्जेक्ट्स, वो हर जगह से थर्स्टी होते हैं, जो उनके हाथ में आ जाए चीज वो उसमें इंग्रॉस होते जाते हैं. और ऐसा ही मेरे साथ भी था. मैंने घंटों निकाले हैं अपने कमरे में, इवन व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, घंटों घंटों निकाले हैं मैंने. कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं जो इंडिया में तब इतनी बिकती भी नहीं थी. वन ऑफ देम इज लिंडा गुडमैन, स्टार साइंस. सन साइंस की बात नहीं कर रही हूँ जोड़ी की, और द वो डीप बुक भी बहुत डीप है, जिसको बाद में लोगों ने बहुत कॉपी किया उसके स्टाइल को. स्टार साइंस की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें बहुत डीप टॉपिक्स हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ समझ आया. लेक्सीग्रामिंग की बातें, साउंड हीलिंग की बातें जो बहुत पहले से की हुई हैं, न्यूमरोलॉजी कौन सी होती है उसकी बातें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मनी मैटर्स, मैनिफेस्टेशन, बहुत सारी. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, जो डाउट है वो डाउट हमारे ऊपर कैसे असर करता है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जो समझ थी मुझे काफ़ी यंग एज पे, थ्रू दैट बुक मैंने बहुत बहुत घंटों निकाले. मेरे कमरे में एक आर्म चेयर होती थी, एक रॉकिंग चेयर होती थी, उस पर बैठ के मैंने बहुत घंटों निकाले हैं. मैंने बुक्स की बुक्स साफ की है, और वो बुक अभी भी मेरे पास है, फटी हुई पड़ी है, बट आई गॉट इट बैक विद मी ऑन वन ऑफ माई विजिट्स टू इंडिया. तो बहुत यंग एज से बहुत इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल, बहुत क्यूरियोसिटी से. कि अगर जैसे मैं पढ़ रही होती थी तो मुझे होता था अपनी लाइफ में कैसे लागू करूं, वाओ दिस इज अमेजिंग. और इस तरह की ये और इस तरह की ऐसी बुक्स होती हैं जिनसे उनकी जो नॉलेज होती है, जो पास्ट लाइफ में वो गेन कर चुके हैं, ये नई चीजें नहीं है उनके लिए, अभी जो वो गेन कर रहे हैं वो वापस उनके पास आती है. तो ऐसा होता है कि जब वो चीजें वो पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, क्योंकि दीज आर यूजुअली इवॉल्व्ड सोल्स, ओल्ड सोल्स, या वो जैसे मैंने, अगर आपने डोलोरेस कैनन वाले मेरे एक न्यू अर्थ की वीडियो में देखा होगा, थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स, उसमें सुना होगा, तो मैंने बताया था थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स. तो ऑफन ये लोग उस वॉलंटियर्स के का भी पार्ट होते हैं जो इस समय अर्थ में है. तो क्योंकि इस समय अर्थ पे बहुत सारे एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स हैं, बाय द वे, कर्मा कि वो सब लाइन चेंज करने के लिए, तो ये लोग बहुत सारी चीजें सीख कर आए होते हैं डिफरेंट डायमेंशन से, या जहां पर भी उनका पहले घर था, अगर स्टार सीट था तो दूसरी गैलेक्सी से, जहां से भी, या अर्थ से बहुत सारे लेसन ऑलरेडी सीख चुके हैं. तो इन जरियों के थ्रू उनके वो लेसन, वो उनको एकदम से जैसे चुटकी बजा के सेंस होने लग जाती, माइंड में डाउट नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता कि ये बात सही है कि नहीं. जैसे जब जब मैंने हीलिंग के बारे में पढ़ा है कि हीलिंग तो अंदर से ही होती है, हीलिंग तो हमारे हाथ में ही होती है, हीलिंग इज ऑफ द माइंड, बॉडी वही फॉलो करती है जो माइंड बोल रहा है. तो वो सारी चीजें जब मैं पढ़ती थी मुझे डाउट भी नहीं आता, इट वॉज लाइक ऑब्वियसली वो मेरे अंदर घर कर जाती थी, बिकॉज वो नॉलेज मुझे पास से थी. सो ऐसा होता है एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स के साथ कि दे आर इवॉल्व्ड सोल्स, और उनको बहुत सारी जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग यंग एज से मिलती है वो उनकी सिर्फ उनको तैयार करने के लिए आ रही होती है, वो चीजें वापस देने के लिए, ताकि नई शुरुआत में जब हम यहाँ आते हैं हमें अमनीजिया होता है कार्मिक, तो वो उनको फिर से जहां पे उन्होंने पास में छोड़ा था वो लेवरेज देने के लिए आती, ताकि वो सारी चीजें एक्यूमुलेटेड फिर से उनकी क्विक एक्सेलरेटेड स्टार्ट हो जाए. वो चीज उनको स्क्रैच से उस तरह से लर्न नहीं करनी जैसे कि हम वो सब्जेक्ट लर्न करते हैं जो हमने कभी सीखा ही नहीं एबीसीडी. So these things come back to them. Then the other point is obviously ये जो ancestral path breakers होते हैं बहुत young age से, बचपन से ही अपनी family में बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उनके through देख लेते हैं, ज़्यादा मैं बोलूँगी कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे dynamics ऐसे होते हैं जिसमें बड़े लोग involved होते हैं, बच्चों को allowed नहीं होता या obviously उनका कोई काम नहीं होता. लेकिन अनलाइक अदर किड्स वो बहुत सेंस कर जाते हैं ऐसी चीजें, नहीं जो सिर्फ उनके साथ हो रही हैं लेकिन जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं भी हैं डायरेक्टली, लेकिन सेंस कौन गलत है कौन सही है, किसके अंदर कुछ और मोटिवेशंस चल रहे हैं, कौन जो दिखा रहा है वो नहीं है, किसके अंदर जेलसी है, किसके अंदर इनसिक्योरिटी है, कौन फेक है, कौन डबल फेस्ड है, तो इतना कुछ और बहुत कुछ वो बच्चे सेंस कर रहे होते हैं. उन्हें नहीं पता होता कि वो सेंस कर रहे हैं. अगेन ये चीज़ उनको समझ वर्ड्स में तो वो तब डालते हैं जब बहुत समय बाद उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की एक अडल्ट में एक स्टेज आती है, तब वो रियलाइज करते हैं. लेकिन ये उनके अंदर नोइंग हमेशा होती है. कैसे पता है, क्यों पता है, उन्हें नहीं पता, लेकिन उनकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होती है. देन दीज चिल्ड्रन आर ऑफन वेरी सेल्फ अवेयर, बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं. मैंने अपने बारे में काफ़ी बार शेयर किया है कि एक सेल्फ अवेयरनेस एक गिफ्ट था जो मुझे पता चला है बहुत सारी रीडिंग से भी, कि मैं जानती हूँ इस वक्त कि मैंने पास्ट लाइफ्स में बहुत सेल्फ अवेयरनेस पे काम किया है, दैट्स व्हाई इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. तो मेरी सेल्फ अवेयरनेस एक एवरेज इंसान से कंपेयर्ड बहुत ज़्यादा है, और ये सेल्फ अवेयरनेस और ये इंट्यूशन ने ही मुझे पूरी जिंदगी में गाइड किया है. वहाँ वहाँ जहाँ पे मेरा कोई मेंटर नहीं था, वहाँ जहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, वहाँ जहाँ पे मुझे कोई कुछ बताने वाला समझाने वाला नहीं था. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन मीडिया,
आई यूज टू वर्क ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द टीवी, मैं फ्रीलांसर भी थी, तो बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे, वो सारा नेविगेट कैसे करना है, किसके पीछे का क्या सच है वो कैसे देखना है, कौन काम करने लायक है कौन नहीं, कौन हाई वाइब्रेशनल है, ठीक कंपनी है कौन नहीं, वो सारी गाइडेंस मुझे सिर्फ मेरी इंट्यूशन गाइड करके ले जाती थी. इट वुड कीप मी प्रोटेक्टेड, इट वुड कीप मी अवे फ्रॉम रॉन्ग पीपल, इवन पर्सनल रेम में इट वुड कीप मी अवे फ्रॉम सो मेनी नार्सिसिस्ट. इसका मतलब ये नहीं मैंने नार्सिसिस्ट से डील नहीं किया, मेरी लाइफ में भी आए हैं, लेकिन वेरी क्विकली आई हैव बीन एबल टू सेपरेट फ्रॉम देम. क्योंकि अगेन वो सेल्फ अवेयरनेस, वो सेल्फ अवेयरनेस आपको बताती है, सही सेल्फ अवेयरनेस होती है जो आपको एक जंजाल में फंसने नहीं देती, वो आपको गाइड कर रही होती है, आप अवेयर होते हो कि ये क्या है, ये झूठ है, दिस पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन, या जो ये इंसान बोल रहा है लेकिन इसके बोलने का मतलब ये है. तो बहुत अर्ली एज से ये सेंस होती है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, आप डिटैच कर पाते हैं, आप अलग हो पाते हैं लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से, आप अपने लिए एक अलग, आई वुड से अग्रेसिवली नहीं, क्योंकि ऑफन बहुत सेंसिटिव सोल्स की तरह एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स भी शुरू में उनकी सेल्फ एस्टीम काफी लो होती है, तो ऐसे नहीं वो अग्रेसिवली लड़ रहे हैं अपने लिए, लेकिन वो सेंस करके समझ जाते हैं उनकी लड़ाई अलग लेवल पे होती है, वो अलग हो जाते हैं उस चीज से, वो अपने क्वाइट वे में ही, या जब उनको कोई चीज बहुत गुस्सा जेन्युइनली दिला देती है, वो कहीं और से आता है, उस तरीके से जैसे भी है वो अपने लिए उस तरह से खड़े हो लेते हैं, वो उस नेगेटिविटी से अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को गैसलाइट नहीं होने देते हैं, एटलीस्ट बहुत लेवल पर. ऑब्वियसली लेसन अभी बहुत बाकी हैं, लेकिन बहुत लेवल पर. तो बहुत सारा काम जो दूसरे लोग अभी सालों साल लगा देंगे या शायद पूरी जिंदगी के एंड तक सीखेंगे नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये गैसलाइटिंग होता है, ये गलत है, वो सारी चीजें इनको पता होती हैं. इवन इफ उनको ये टर्म्स नहीं पता कि ये सब कोई टर्म्स होते हैं, गैसलाइटिंग क्या होता है, स्मेयरिंग क्या होता है, ये सब टर्म्स तो मुझे अभी पता चले हैं इन द पास्ट ईयर्स, लेकिन ये मेरे इनर लैंडस्केप का, इनर अवेयरनेस का हमेशा पार्ट रहे हैं, टू बी एबल टू डायसेक्ट दीज थिंग्स. नेक्स्ट है ऑब्वियसली ये जो एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स होते हैं, ये सबसे बड़ी बात, ये फैमिली में जो भी नॉनसेंस होता है, जो भी गलत चीजें होती हैं, जो बाकी सारे आंख बंद करके या एटलीस्ट अंदर गाली देके एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एटलीस्ट खुशी से एक्सेप्ट नहीं करते, एटलीस्ट उनके अंदर एक डिफायंस होती है, एक रेबल वाली एनर्जी होती है. अगेन रेबल वाली एनर्जी मतलब ये नहीं कि बंदूक लेके शुरू हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है शहीद भगत सिंह सब बन जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है, या दे बिकम अ रेबल विदाउट अ कॉज फॉर द सेक ऑफ इट. अगेन मैंने कहा अग्रेसिव एनर्जी यूजली नहीं होती, ऑल्दो लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करके बोल सकते हैं ऐसे अग्रेसिव, क्योंकि ऑफन प्लेन स्पीकर्स होते हैं, ट्रूथ स्पीकर्स होते हैं, लेकिन ये जब गलत चीज देखते हैं तो इनका इनर लैंडस्केप ऐसा है, क्योंकि गॉड की एक लाइट इनके साथ हमेशा होती है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो गलत है. अगर फैमिली के बड़े गलत चीज बोल रहे हैं, गलत बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गलत कंसेशंस ले रहे हैं, अगर उनको छोटा फील करवा रहे हैं, या फैमिली के डायनेमिक्स में जो है अनफेयरनेस होती है, इनजस्टिस वाली चीजें होती हैं, चाहे छोटे छोटे लेवल्स पे हो, लेकिन उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, उनसे ये एक्सेप्ट नहीं होती और अपने ही तरीके से वो उसको डिफाई करते हैं, अपने ही तरीकों से वो उसको मानने से मना करते हैं. तो ये इन अ वे दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इन अ वे दे आर डीपली कनेक्टेड टू गॉड ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बिना तो अकेले से ये काम नहीं कर सकते, दे आर गाइडेड बाय गॉड, गॉड के एक मिशन से आए होते हैं, एक स्पेशल रोल लेके आए होते हैं अपने ब्लू प्रिंट में, अपने सोल लेवल पे. तो ये लोग जो है बहुत अनकन्वेंशनल तरह से भी रेबल्स हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल तरह से भी गॉड से कनेक्टेड हो सकते हैं. जैसे मैंने अभी कहा कि जरूरी नहीं है बहुत रिलीजियस हो, क्योंकि हमारे सोसाइटी में समझा जाता है कि जो बहुत रिलीजियस दिख रहा है, जो स्पिरिचुअल किताबें पढ़ रहा है, या अगर हर संडे चर्च को में जा रहा है, या मंदिर के सामने घंटी बजा रहा है, या कमरे में रोज मंदिर के सामने पूजा करता है, अगर बत्ती जलाता है, वो जो सबको दिख रहा है कि स्पिरिचुअल है, जो सबको दिख रहा है कि रिलीजियस है, वो जना है. जो अपना सच सामने रख रहा है, जो अनकन्वेंशनल है, जो प्लेन स्पीक करता है, जिसकी एनर्जी, जिसके हाव भाव उस तरह के नहीं लगते कि वो जो फूल्स हैं या जो गलत लोग हैं उनको टॉलरेट करें, इस तरह की एनर्जी नहीं है जो उन लोगों को अपीस करेगी, तो उस उन ज्यादातर लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं, उन्हें लगता है ये जना ऑब्वियसली रिलीजियस थोड़ी होगा, ये जना तो बड़ा डिफरेंट काइंड है, ये तो बहुत अनकन्वेंशनल है, ये तो बहुत बोल्ड है, ये तो बहुत, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रेगुलर पर्सन. तो आई रिमेंबर मेरे एक रिलेटिव एक बार मेरे घर में, मेरे कमरे में एंटर किया, और
बहुत कभी कभी आते थे वो। तो जब एंटर की तो उन्होंने, उस समय मैं कॉलेज में थी, उन्होंने एक मेरे कमरे में मंदिर था छोटा सा, वो देखा, उसमें शिव जी की मूर्ति होती थी और ऐसी दो तीन चीजें होती थी। तो उन्होंने, उनके चेहरे पे बहुत सरप्राइज हुआ, एंड शी सेड कि अरे तू भगवान में विश्वास रखती है, तू भी भगवान में विश्वास रखती है, समथिंग लाइक दैट शी सेड। इमेजिन, मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। सो इट्स सो फनी कि जो लोग समझते हैं, जो भगवान को जानते ही नहीं है, वो, उन्हें लगता है कि वो जज हैं इस बात के कि कौन भगवान में विश्वास रखता होगा और कौन नहीं। वो आउटर अपीयरेंस से जज कर रहे होते हैं, जो उनकी लिमिटेड परसेप्शन होती है, जो भगवान को जानते भी नहीं है, जो भगवान को जानने का शायद दिखावा कर रहे होते हैं खुद के साथ भी, उन्हें खुद नहीं पता। तो इस तरह के लोग होते हैं क्योंकि उनके लिए भगवान से लगा मतलब घंटे बजा बजा कर या माता के जगराते कर करके बोल बोल के दिखाने की चीज होती है। उनके इनर एक्शंस में, उनकी इनर स्पिरिचुअलिटी में वो कहीं रोल एक्चुअली प्ले नहीं करती है, वो जो भगवान के साथ कनेक्शन होता है। और मेरा तो, जो मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, कि बिना भगवान के कनेक्शन के तो मेरी जिंदगी इज लाइक जीरो, आई माइट एज वेल नॉट बी हियर, यहाँ पे होने का कोई पर्पस ही नहीं है। वो है तो मैं हूँ, नहीं तो कुछ नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज। Ancestral path breakers are often the scapegoats of their families, often the black sheep of their family. अब जरूरी नहीं है ये पूरी family ही महा toxic हो, महा narcissistic हो, हर तरह के मिले जुले elements हो सकते हैं, but dysfunctional families, definitely dysfunctional families होती हैं वहां पर जहां ancestral path breakers होते हैं, मेरी भी थी। तो black sheep होते हैं किस तरह के, अब जरूरी भी नहीं है ये black sheep उस तरह के लिए हो जो बचपन से identify किया और black sheep है, सब उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या scapegoat की तरह। कभी कभी ये चीजें बहुत सटल तरह से पता चलती हैं, सामने आती हैं, वो रियलाइज करते हैं बाद में जाके कि हम ब्लैक शीप की तरह ट्रीट हो रहे हैं, एक सटल वे में, जरूरी नहीं बहुत ऑब्वियस वे में। हो सकता है ऑब्वियस वे में लगे कि बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है, ऐसे कोई लड़ाई नहीं है सरफेस पे, बट स्लोली दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि वो कितने डिफरेंट हैं। और क्योंकि वो इतने डिफरेंट हैं, वो जो फैमिली के यूजुअल डायनेमिक्स हैं, सुपरफिशियलिटी, फेक टॉक, स्मॉल टॉक, फालतू की बातें, दिखावा, लेना देना, दैट यूजुअल एनर्जी ड्रेनिंग, एनर्जी सकिंग स्टफ जिसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई ट्रू इमोशंस नहीं है, ज्यादातर एटलीस्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और क्योंकि वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने ही तरीके में, चाहे पोलाइट तरीकों में, उन चीजों से डिस्टेंट होते जाते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर फैमिली ग्रुप्स। जैसे मैं अपनी फैमिली के फेस ग्रुप, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं हूं, आई कैन नॉट डू दैट एनी लॉन्गर, बहुत समय हो गया। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो अल्टीमेटली, बिकॉज वो इतने डिफरेंट है, तो जब आप डिफरेंट होते हो तो जो सेम जैसे होते हैं, द सेम काइंड ऑफ पीपल, ऑब्वियसली वो आपके अगेंस्ट जाने अनजाने में एक गुटसा बन जाता है। वेन यू आर डिफरेंट, तो किसी को नहीं पसंद जो अपना अलग स्टैंड ले रहा है या अलग हो रहा है या अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रहा है या किसी में इतने गट्स हैं कि वो अलग होने की हिम्मत रखता है, जिस भी, चाहे पोलाइटली, क्योंकि यहाँ पे तो लोग डरते हैं ना अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाने से, बोलने से कि नहीं हम नहीं अवेलेबल होंगे या हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज वो करना दूसरों को लगता है दिस इज लाइक हमारे पे डायरेक्ट अटैक है या हमारे को थ्रेट है, या इस जने ने ऐसा किया है, अपना ऑथेंटिक सेल्फ है, इसका मतलब ये जना हमें डिस्कार्ड कर रहा है या हमारे ऊपर स्टेटमेंट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली लेते हैं, सब कुछ पर्सनल लेते हैं, एवरीथिंग इज अबाउट द कलेक्टिव डायनेमिक्स। तो ये जने अपने आप रियलाइज हो जाता है कि ये अलग है, वो चीज बहुत विजिबल होने लग जाती है, जो अभी तक छुपी हुई थी वो सामने आने लग जाती है। जब सामने आने लगती है तो ऑब्वियसली वो दूरियां और बढ़ने लगती हैं, देन दे बिकम लाइक द ब्लैक शीप। फिर आसान होता है लोगों के लिए बैक बाइटिंग करना, गॉसिप करना उनके बारे में, या उनको करार कर देना कि ये तो अजीब हैं या वियर्ड हैं या ये तो अनप्लेजेंट हैं या ये तो अनसोशियबल हैं या जो भी टर्म्स का क्या है, टर्म्स तो टर्म्स हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ब्लैक शीप इज डिफरेंट पीपल, जो ये भी बोलेंगे कि शायद दीज पीपल आर रूड और दीज पीपल आर अनथॉटफुल और दीज पीपल आर नॉट सेंसिटिव टू द फैमिलीज नीड्स, जबकि सबसे सेंसिटिव लोग यही होते हैं। डीप इनसाइड उन्हें दिख रहा होता है कि फैमिली में कौन सी दीमक लगी है, क्या गलत है, और वही जने होते हैं जो पहली बार खड़े होते हैं अपने थ्रू। ये जो उनका बिहेवियर होता है, अलग होना, ऑथेंटिसिटी, धीरे धीरे वो चीजों से बचपन से लेके बड़े होने तक, पहले धीरे धीरे, फिर मोर ऑब्वियस तरीकों में अपना स्टैंड बताना, अलग होना, उनको एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी राय जताना, यही जो उनकी चीज है। ये इतना, ये पूरी फैमिली को, पूरी फैमिली की एनर्जी जो नहीं तो सदियों सदियों कंटिन्यू करेगी। एक के बाद एक वैसे ही लोग आएंगे, टॉक्सिक लोग आएंगे, नार्सिसिस्ट आएंगे, इनेबलर्स आएंगे, फ्लाइंग मंकीज आएंगे, कोडिपेंडेंस आएंगे, यही
एनर्जी को ब्रेक करने की शुरुआत ये इंसान कर रहा है जिसको पूरी फैमिली गलत समझती है, मिसअंडरस्टैंड करती है, जिसको स्केपगोट बनाने की कोशिश करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे कितने भी अच्छे लोग हों वो समझते नहीं है। और यही आता है पावरफुल प्रोटेक्शन, बिकॉज दे आर ऑन अ स्पेशल मिशन फ्रॉम गॉड। ये लोग ऑफन बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं। अब जहां पे मैं प्रोटेक्टेड की बात बोल रही हूँ, वहां मैं ये बताना चाहती हूँ कि पाथ बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट एन ईजी पाथ टू बी एन एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर, क्योंकि कौन है जो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट होती हैं, उसकी बात मैं कभी और करूंगी, लेकिन फैमिली में कौन नहीं चाहता कि सारी फैमिली साथ में हो। इट्स लाइक यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स वाला खेल हो। झुंड कौन नहीं चाहता है, एक झुंड अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए, सिक्योरिटी की फीलिंग के लिए, जब हेल्प चाहिए हो हेल्प के लिए, उसके लिए कोई नहीं चाहता कि फैमिली को कट ऑफ करें। वीडियोस में ही देख लीजिए, आप में से कितने लोग बोलते हैं कि पर फैमिली को कैसे छोड़ दें, मेरी फैमिली ऐसी हो गई वैसी होगी, लेकिन हिम्मत करके अलग नहीं हो पाते हैं। और अलग होने से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़ाई करके अलग हो जाए, कट ऑफ का भी बात नहीं करनी, बट अपनी ऑथेंटिसिटी की वजह से एक अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस, मैं अपने तरीके से पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी, तो वो चीज इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स। वो बहुत आइसोलेटिंग वो चीज हो सकती है, बट बिकॉज वो इतने स्पेशल चीज के लाए हैं और वो ऑथेंटिक सोल्स हैं, ऑथेंटिक सोल्स, डीप सोल्स, हीलर सोल्स, वो यही काम के लाए हैं। ये काम मतलब पार्ट ऑफ द हीलिंग ऑफ द अर्थ also begins with healing your own family, and healing your own family begins by healing you. तो इतने बड़े जब काम के लिए कोई आता है, उसके साथ divine support भी उतना ही होता है, क्योंकि obviously इंसानों की तो इतनी क्या power है कि वो खुद से अकेले ये सब कर सकें। इंसान भी powerful तब होता है जब God की light उसके अंदर shine करती है, जब ईश्वर की स्ट्रेंथ उसको बार बार उठाती है गिर कर भी, उसके साथ पावरफुल, फिर वो जानने लगता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और इसीलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि गॉड से जुड़िए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, आपका काम हीलिंग का कोई और नहीं करेगा, आप खुद उसकी शुरुआत करेंगे, कहीं और से नहीं आएगा। आप पूरी जिंदगी चाय लगाते जाएंगे, कहीं और से नहीं आएगा। एंड बाय द वे, दिस रिमाइंड्स मी अगेन अबाउट माय यूडेमी कोर्स, जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन अभी रिसेंटली शेयर की थी वीडियो में, यहाँ पर भी उसका लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। दैट इज अ पावरफुल पावरफुल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स जो मैंने बनाया है बहुत मेहनत करके, एंड मैं रिकमेंड करूंगी हाईली हाईली। बाकी आपकी चॉइस है कि सारे लोग जो अनहील्ड स्टेट्स में हैं किसी भी तरह से, जो हमेशा विक्टिमहुड में होते हैं, जो हमेशा पूछते हैं क्या करें लेकिन समझ नहीं आता, प्लीज डू दिस कोर्स। कोर्स नाम मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि और कोई, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कोई और बेहतर शब्द मुझे समझ नहीं आता, लेकिन ये कोर्स नहीं है, कोर्स सिर्फ नाम देना पड़ रहा है, लेकिन ये एक लाइफ चेंज करने का एक स्पिरिचुअल पाथ है, कंप्लीट पाथ। इनर वर्क जैसा डीप आपने कभी शायद नहीं किया होगा, वो इनर वर्क की शुरुआत करवाएगा, फिर वो आपके साथ हमेशा रहेगा। वो तो लाइफ चेंज करनी है तो कुछ तो काम करना पड़ेगा अपने अंदर, तो ये वो काम की शुरुआत का तरीका है, डीपली गाइडेड। तो प्लीज आपने चेकआउट नहीं किया तो करिए। तो एनीवे, दीज एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स आर डीपली प्रोटेक्टेड बाय गॉड। बहुत सारी चीजें, जब उनकी बहुत सारी परेशानियां उनके सामने आती हैं, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट होते हैं, बहुत सारी उनकी गैसलाइटिंग होने की कोशिश होती है, परिवारों में भी, एक्सटेंडेड सर्कल्स में भी उनको अलग किया जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर एनर्जेटिकली अलग किया जाता है, एक अलग होने की फीलिंग, डिपेंडिंग ऑन सबका अपना अपना ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होता है हर इंसान का। लेकिन उनको ऑब्वियसली गॉड की सुप्रीम प्रोटेक्शन होती है, पावरफुल प्रोटेक्शन होती है, जितना वो ही रियलाइज करते हैं। और ये भी रियलाइजेशन उन्हें बहुत बाद में जाके होती है कि कैसे वो प्रोटेक्टेड हैं, उनको एहसास भी नहीं होता। अपने बंदों को जैसे बोलते हैं ना, गॉड प्रोटेक्ट करता है, सो पावरफुल। एंड ये पावरफुल प्रोटेक्शन मैंने अपनी लाइफ में बहुत 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 बार महसूस की है, और जब नहीं महसूस की, जब नहीं पता तब भी पीछे से चल रही होती है, वो तो अनगिनत होगा, उसका तो मुझे हिसाब ही नहीं है। इट्स लाइक मैंने कहीं सुना था अपने बारे में किसी रीडिंग में कि इट्स लाइक बुलेट्स बींग डॉज, जैसे बुलेट्स होती हैं लेकिन आपको पता भी नहीं, दिख भी नहीं रहा, आप डॉज कर रहे हैं, डॉज हो रही है सारी बुलेट्स। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ पावरफुल प्रोटेक्शन। सो दिस इज हाउ इट इज, गॉड्स पावरफुल प्रेजेंस। और उनकी फेथ बहुत स्ट्रांग होती है, एक एवरेज इंसान की फेथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती। वो बोलते हैं कि पहले हमें दिखाओ तब हम मानेंगे यूजुअली, या स्ट्रांग होती भी है कि, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि किसी चीज के लिए व्रत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं हुआ, थोड़े टाइम तक नहीं हुआ, 6 महीने तक नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, 1.5 साल नहीं हुआ, तो वो गिव अप कर देते हैं। बहुत सारे, ये एक जस्ट तरीका है शो करने का कि फेथ एक्चुअली है नहीं, वो ट्रांसैक्शनल था। लेकिन एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स की जो फेथ होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसका ये मतलब नहीं है उस पर कभी डेंट नहीं आते हैं, लेकिन अगेन वो डेंट आना भी उनका और भगवान के बीच का उनकी स्टोरी है, आपस में डायलॉग है, उनका इनर डायलॉग भगवान के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। तो जितने भी डीमंस उनको, ईगो बेस्ड डीमंस अटैक करने आते हैं एनर्जी फॉर्म में, इमोशंस के फॉर्म में, नेगेटिविटी के फॉर्म में,
इन द एंड इट्स ऑलवेज विद गॉड. इन द एंड उनके ऊपर कोई चीज उतनी हावी नहीं हो सकती जितना हावी भगवान होते हैं. सो एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स. तो नेक्स्ट ऑब्वियसली दीज आर सबसे बड़ी चीज. दीज पीपल आर पावरफुल पावरफुल इनर हीलर्स एंड इनर वर्कर्स. इनर वर्क. अब एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकिंग की शुरुआत जैसे मैंने बोला कहाँ से होगी, जब एनर्जी कैरी हो रही है, आप एक एनर्जी के कॉन्डुइट हैं. आपने अपने आप को हील नहीं किया, आपको जो मिला प्लेट में आप वही लेकर आगे आपने पास ऑन कर दिया, फिर उसने नेक्स्ट को पास ऑन कर दिया नेक्स्ट. ऐसे ही फैमिलीज की एनर्जीज चलती हैं, फैमिली के मिसफॉर्च्यून्स चलते हैं, पावर्टी चलती है, नार्सिसिज्म चलता है, डिजीजेस चलती हैं. एक पर्टिकुलर एज पे आके फैमिली मेंबर्स कुछ कुछ फेस करते हैं, बार बार रिपीटेटिवली ऐसे होता है. ये चीजें चलती हैं, जो पैटर्न्स हैं जो समझ नहीं आते किसी को मिस्टीरियस, वो चलते हैं ऐसे. तो ये सारे एंसेस्ट्रल जो कार्माज हैं, जो अनहील ट्रॉमाज हैं, उसका नतीजा होता है उसकी एनर्जी किसी ने ब्रेक नहीं की, किसी ने हील नहीं की, इसलिए कैरी होते हैं. तो कहाँ से हील होना शुरू होते हैं? उस एक इंसान के अंदर से जो ये सब कुछ के सी थ्रू करके डिसीजन लेता है कि नो मोर, इट स्टॉप्स हियर. This is where it stops. By the way, एक बहुत interesting book है इसके बारे में, इस topic से ही related. Mark Wallin की ये book है, It Didn't Start With You. मतलब जो आपके साथ हो रहा है physically, शायद कोई disease हो, शायद कोई pattern हो जो आप break नहीं कर पाते हैं, शायद emotional pain हो, wound हो, It Didn't Start With You. बहुत पहले कहीं हुआ था वो. और यही रीज़न भी है कि ये वेल नोन है, वेल डॉक्यूमेंटेड है. फॉर एग्जांपल कि जो जैसे नाज़ीज़ के टाइम में बहुत सारे जब गैस चैम्बर्स में लोगों को बर्न कर देते थे, तो उनकी फैमिलीज जो अभी कंटिन्यू हो रही है, जो हील्ड टाइम्स में है सो कॉल्ड, उनकी फैमिलीज में अभी के टाइम में जो यंग बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं, यंग अडल्ट, वो उस तरह के सिम्टम्स अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं जो उन्हें समझ नहीं आता. उस तरह की भाषा बोलते हैं, उस तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसका कोई मेडिकल रीजनिंग नहीं मिलती है. हीलिंग कराने पर या किसी को ऐसा रास्ता मिल जाता है जहां पर उसके ऊपर लाइट पड़ जाए, उस रीजन पे इस तरह से स्पिरिचुअल वेज में कुछ समझ आ जाए, या कोई किसी ऐसे हीलर के पास पहुंच जाए जिसको इन चीजों की समझ हो, तो पता चला वहां से कि दिस वॉज बिकॉज योर ग्रैंड फादर फेस दिस, या योर ग्रैंड मदर फेस दिस, उनके इमोशंस थे, उनके ये वर्ड्स हुआ करते थे, या उनकी सारी फैमिली गैस चैम्बर्स में चली गई थी तो ग्रैंड मदर रह गई थी, तो ग्रैंड मदर को अपने जीने का गिल्ट था कि मैं क्यों बची हूँ. सर्वाइवर्स गिल्ट बोलते हैं ना, तो वो सर्वाइवर गिल्ट ये चाइल्ड कैरी कर रहा है जबकि कोई रीजन नहीं है. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें. सो वट इज दैट? दैट इज एन अनब्रोकन चेन ऑफ एनर्जी. Because nobody has stopped. तो शायद ये इंसान से जो अब ये फेस कर रहा है और स्पिरिचुअली इतना डीप गया है, जिसको ये समझ आई है, शायद वो अब एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर बनेगा और ये तोड़ना शुरू करेगा. सो दैट इज हाउ एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकिंग इज डन. ये बाहर से नहीं होती, ये अपनी हीलिंग की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके होती है, अपने इनर वर्क की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और यही काम एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स अपने अंदर करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं. उनकी जैसे मैंने बोला ना, नेचुरल इंक्लिनेशन ही होती है. तो भगवान ने जिस काम के लिए भेजा होता है, इंक्लिनेशन वैसे ही बना के भेजता है. तो मुझे याद है कि इवन व्हेन आई वाज 18 एंड आई यूज्ड टू लव डांस, लेकिन वो जो बीट्स का मुझे शौक है ना, बीट्स की रिदम पे ग्रूव करने का, उससे अगर मुझे कोई ऑप्शन देता ना कि नहीं इसी रात में यहाँ पर ऐसे भी कुछ हो रही है, कुछ स्पिरिचुअल सोल आ रहे हैं, कुछ मिस्टिकल शेमन या समबडी इज कमिंग जो आपको ये बता सकते हैं या ये मेडिटेशन सिखाएंगे, जब उस समय की बात जब मुझे मेडिटेशन नहीं आती थी लेकिन इंटरेस्ट होता था, तो मैं डेफिनेटली विदाउट अ डाउट आई वुड हैव लेफ्ट ऑल द डांस पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड और मैं उस वाली चीज में जाती. दिस इज एट द एज ऑफ 17 और 18 जब शायद ही कोई डांस पार्टी छोड़ के मेडिटेशन चूज करेगा, मेडिटेशन सेशन. सो आई वॉज ऑलवेज गाइडेड टूवर्ड्स दोज थिंग्स, क्योंकि आपका पाथ है, आपको अपने अंदर बहुत हीलिंग काम करना है, बहुत शुरुआत करनी है, तो वो शुरुआत बहुत हो जाती है जल्दी. तो आई हैव डन बाई नाउ सो मच इनर वर्क. इनर वर्क, अब इनर वर्क जो हमारा होता है, जो हमारे एनर्जेटिक शिफ्ट होते हैं, जो हमारे ट्रॉमाज ब्रेक होते हैं, जो हमारी एनर्जी ब्रेक होती है, डेंस एनर्जी, अनहील्ड वूंड, जो अनएड्रेस्ड वूंड्स फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, वो सारी लीनेज को पास ऑन होती है, क्योंकि अब ये सब एनर्जी है सारी लीनेज को. अभी की फैमिली में तो होगी, जैसे जैसे उनकी फ्री विल है वो जितना इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऑब्वियसली पैटर्न्स ब्रेक होंगे बहुत कुछ, लेकिन जो फैमिली जा चुकी है और जो फैमिली लीनेज आएगी आगे, जो आएगी डिसेंडेंट्स फैमिली ट्री में, वो सब शेयर करते हैं उसमें. दैट इज द ब्यूटी ऑफ वन सिंगल एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क. लेकिन ऑब्वियसली इसकी
कॉस्ट पे करनी पड़ती है, अगेन आइसोलेशन होकर बहुत कुछ फेस करके फैमिली से. सो आइसोलेशन अगेन इज द नेक्स्ट पार्ट. आइसोलेशन डेफिनेटली इनको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा से लेके मीडियम लेवल्स जो भी है, बट डेफिनेटली या वो आइसोलेशन बहुत ऑब्वियस होगी कि फैमिली उनको जान के कर रही है, या फिर वो इस तरह से होगी बिकॉज अब ये छुप नहीं सकती चीज कि वो डिफरेंट है और वो यूजुअल फैमिली के साथ फॉल इन नहीं कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट कंफर्म नहीं करना चाहते. वो सेम जो प्लेज होते रहते हैं फैमिली में, ड्रामास होते रहते हैं सेम चीज में, सब हाजी बाजी होने से वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपने आप स्टैंड आउट करने लग जाते हैं. जब कोई इंसान स्टैंड आउट करता है, झुंड का पार्ट नहीं बनता, तो झुंड उसे अपने आप दूर करता जाता है, इग्नोर करता जाता है, या वो क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते. तो ऐसा नहीं होता है कि वो यूजुअली फैमिली समझती हैं या बड़ी काइंड होती हैं उस चीज की, यू वी अंडरस्टैंड यू आर डिफरेंट बट यू आर स्टिल पार्ट ऑफ अस, दैट्स ओके, आप तुम अलग हो फिर भी, जब वेर एवर यू नीड अस वी आर देयर. तो इट्स लाइक या तो तुम हो या नहीं हो, फैमिलीज की उस तरह की फितरत होती है ना, तो ऐसा हो जाता है. सो आइसोलेशन विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ. शुरू से भी बहुत सॉलिट्यूड होगा, बाद में चल के ये बढ़ता चला जाएगा. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई नो ड्यू टू वेरियस गाइडेंसेस दैट हैव कम माय वे, वेरियस मैसेजेस दैट हैव कम माय वे, कि ये जो फैमिली है मेरी अर्थ फैमिली, कुछ के साथ ठीक रिलेशंस हैं, कुछ के साथ नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये टाइमलाइन इतनी चेंज हो गई है मेरी, स्पेशली 2024 में क्या क्या हो गया है, शिफ्ट्स हैव हैपेंड विद अदर पीपल, खाली मेरे साथ नहीं, दूसरे लोगों के साथ, कि जो मुझे उनसे और भी अलाइन नहीं रख सकते हैं. तो अब मुझे पता है कि ये मेरी मैट्रिक्स फैमिली है, जंजाल वाली फैमिली, ये मेरी रियल फैमिली नहीं है, दिस इज नॉट माय लाइट फिल्ड फैमिली, वो मेरी ऊपर है. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, सो यू विल कम टू अ पॉइंट जहां पे आपकी आइसोलेशन होना निश्चित है, बट वो आइसोलेशन भगवान की मर्जी है, वो जरूरी है, उसके बिना आप अपना पर्पस नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते. आपको अपना काम करने के लिए भी अंदर से बिना डिस्ट्रैक्शन के आइसोलेशन चाहिए, और क्योंकि आप जिन चीजों से लड़ रहे हैं, जो चीजें हील करने आए हैं, उनसे भी आपको दूर होना पड़ेगा, उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तो वो भी अपने आप आइसोलेशन क्रिएट करेगा, बिकॉज यू आर सो डिफरेंट, यू कैनॉट बी पार्ट ऑफ इट एंड स्टिल हील, यू कैनॉट बी पार्ट ऑफ इट कि आप पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं लेकिन अलग भी चाह रहे हैं. सो आइसोलेशन विल 120% बी पार्ट ऑफ एन एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स लाइफ. तो ऑफन ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना एक आम इंसान के लिए होगा, क्योंकि ये भगवान से इतना डीप कनेक्शन होता है, सॉलिट्यूड लवर्स होते हैं, अकेलापन अच्छा लगता है, दूसरों की एनर्जीज बहुत इनको ड्रेन करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत डिमांडिंग होती है, तो इसलिए इनका आइसोलेशन का काम जो है वो फिर भी एक आम आदमी से बहुत डिफरेंट होता है. जैसे मैं पहले भी लाइट वर्कर वाले वीडियो में बोल चुकी, कोई आम आदमी 4 दिन बात नहीं करे किसी से डिप्रेस हो जाए, बट दिस इज नॉट द केस विद एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स. दूसरा, ये वैलिडेशन नहीं सीख कर रहे होते, फैमिली मिसअंडरस्टैंड करती है इनको ऑफन, क्योंकि ये ट्रूथ स्पीकर्स होते हैं, प्लेन स्पीकर्स होते हैं. फैमिली में इनको ज्यादातर लोगों के पैटर्न्स दिख रहे होते हैं, मुझे दिखते हैं, मुझे अपनी सारी फैमिली दिखती है, शायद ही कोई है जो मैट्रिक्स के थ्रू देख भी पा रहा है. उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट बताती है, जो न्यूज बताती है, वही सच है, वैसे ही करना है, वही सारे डिसीजन लेने हैं. और स्पेशली 2020 से ये जो मेरी अवेयरनेस एक्यूट हो गई थी, डाउनलोड हो गए थे कि क्या हो रहा है धरती पे, उन लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है. सो वेन यू ट्राई टू टेल पीपल द ट्रूथ, आप उनको देखते हैं. मुझे ऐसे कि मुझे थोड़े टाइम कोई फैमिली मेंबर के साथ हो या मैं फैमिली मेंबर से वाकिफ हूं, तो मुझे पता चल जाता है कि इनके क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इनके कौन से पेन पॉइंट्स हैं, कौन सी चीजें हैं इनकी जो इनके तिकुन है. तिकुन वर्ड क्या होता है ये आप मेरे कबाला के वीडियो में देख सकते हैं, क्या पॉइंट्स हैं मुझे दिख जाता है. तो आई वुड से कि एक तरह से काइंड ऑफ अ सर्जिकल व्यू, जैसे मैं उन्हें रीड कर पाती हूँ अंदर तक. तो मैं ऑफन हंस के भी बोलती हूँ अपने कुछ मेंबर से कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हो या किसी को जाना हो तो प्लीज डोंट वेस्ट द मनी, मुझसे पूछ लो. वो जो 10 सेशंस में साइकोलॉजिस्ट अपनी किताबी वाली बातें निकाल निकाल के वहां तक शायद पहुंचेगा, वो मैं आपको एक बारे में बता दूंगी. व्हाट यू नीड टू हील, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू डोंट नीड टू डू, दैट्स इट, लेज़र शार्प. सो दिस इज अ फैक्ट, मैं बोस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ब्रैगिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, एंड दिस इज समथिंग देयर विद ऑल लाइट वर्कर्स एंड एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स. तो बिकॉज वो ये सारी चीजें करते हैं, लोग अगेन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, मिसअंडरस्टैंड करते हैं उनको, क्योंकि वो पोलाइट होके नहीं बोल रहे, या फैमिली, क्योंकि वो चाहते हैं लोग देखें चेंज हो. लोग उनको ये भी एक्यूज करते हैं कि ये पीस लवर्स नहीं है, ये फैमिली रिलेशनशिप्स ठीक से नहीं चाहते हैं, या ये लड़ाई करवाते हैं या इंस्टिगेट करते हैं. एंड इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता, इसका ऑपोजिट होता है उनके साथ. जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, जो लोग पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं फैमिलीज में, गॉसिप करते हैं एक दूसरे के लिए, नेगेटिव सामने अच्छा दिखाएंगे लेकिन पीछे से नेगेटिव सोचते हैं, मैं उस एनर्जी से मेरी वाइब्रेशन ड्रेन होती है. मैं चाहती हूँ मुझे मेरे लिए
उससे ज्यादा कोई खूबसूरत चीज नहीं होगी कि फैमिली एकजुट है, बहुत खूबसूरती से हील्ड होके इतनी टुगेदरनेस है, इतनी फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है, क्योंकि मेरे हार्ट में सिर्फ वही चाहिए मुझे, दैट इमोशनल फुलफिलमेंट। लेकिन मुझे पता है कि वो फेक करके बैंडेजेस लगा के नहीं होती, वो करने के बजाय मैं पेन सह लूंगी, बट आई विल स्टेप अवे एंड डू द वर्क इवन इफ इट्स पेनफुल। सो दैट इज द प्रॉब्लम, लोगों को अपने पेन वूंड्स को लेकर रहेंगी, क्योंकि वूंड्स को हील करना उनको अनकंफर्टेबल लगता है, उनको फेमिलियर सेटिंग चाहिए, चाहे टॉक्सिक फैमिली सही है, लेकिन टॉक्सिक फैमिली से दूर होकर जो डिस्कम्फर्ट है, जो अनफेमिलियरिटी है, वो नहीं झेल सकते बाबा। सो दैट्स नॉट द ट्रूथ विद एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स, एंड दैट्स व्हाई दे ऑफन मिसअंडरस्टूड। नाउ अनदर थिंग इज कि ये ऑब्वियसली अपनी फैमिली की पास्ट में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, या एटलीस्ट किसी टाइम पे हो पाते हैं। स्पिरिचुअल चीजों में तो होते ही, एसोटेरिक चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अपनी फैमिली में ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, क्या था। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, कपल ऑफ ईयर्स बैक से मेरा बहुत इंटरेस्ट हो गया, एक्चुअली 4-5 साल पहले। और ये मैंने अपने एक्चुअली ये जो मैंने कोर्स बनाया यूडेबी में, उस पर भी शेयर किया थ्रू दिस होप पुनो पुनो कोर्स। आई हैव शेयर्ड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था, जब मैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डीप होप पुनो पुनो कर रही थी, जो मेरे लाइफ में मुझे पता भी नहीं था कि किसी से कनेक्टेड भी है कि नहीं, मुझे अपना ही इशू लगता था। एंड उसमें मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें आ गई विच कनेक्टेड मी टू माई पेटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि मेरे दादाजी, जो थे भी नहीं, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे जब मैं बेरली 9-10 साल की थी। वो मुझे अच्छे लगते थे बहुत, लेकिन मैंने उन्हें ज़्यादा जाना भी नहीं था, क्योंकि तब मेरी जानने की उतनी डीप कॉन्वर्सेशंस की कैपेसिटी ही नहीं थी। तो वो मेरी एनर्जी में, जिनसे मुझे कनेक्शन भी नहीं था, मेरा कनेक्शन तो मेरी दादी के साथ था, बिकॉज वो मेरे बड़े होने तक साथ में थी, वो बहुत बाद में गई हैं, उनके साथ मेरा डीप कनेक्शन था। लेकिन ये दादाजी कहाँ से आ गए और इस चीज़ में कहाँ से आ गई, ये तो मैं कुछ और चीज़ के लिए हीलिंग कर रही हूँ, इनका क्या लेना देना, उनकी पेन, उनकी एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आ गई। वो सारे ताने बाने हो पुनो पुनो के थ्रू खुलते गए थे, the same methods which I have taught in this course. तो वो and उससे मुझे anyway realize हुआ कि कितना कुछ है जो मुझे जानना है, जो मुझे चीज़ें meditation में उसमें पता चलने लगी, वो चीज़ें मुझे idea ही नहीं था कि ऐसा कुछ परिवार में हुआ था, ऐसे dynamics थे आपस में, ऐसा होता था, मेरे को किसी ने बताया नहीं था। वो बहुत सारी चीज़ें तो जब मैं पैदा नहीं भी हुई थी तब से पहले की। Anyway, उन चीज़ों का वैलिडेशन हुआ जब मैंने बातें की अपने फैमिली में बाकी लोगों से, कुछ जिनको मैं ट्रस्ट करती हूँ, तो मुझे पता चला चीज़ें और पता चली, आई रियलाइज फ्यू थिंग्स एंड टुडे आई नो सो मच मोर। लास्ट ईयर जब मैं इंडिया गई थी तो मैंने बहुत सारे अपने फैमिली के रिकॉर्ड्स चेक किए थे। वन ऑफ माई रिलेटिव्स, उनको बहुत इंटरेस्ट है, वो फैमिली की बहुत सारी चीज़ें संभाल कर रखते हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट फैमिली ट्री के हैंड राइटिंग्स, लेटर्स, एनवेलोप्स, बहुत कुछ। तो मैंने बहुत चीज़ें बहुत इंटरेस्ट लेके उसके अंदर डीप डाइव की, क्योंकि मुझे जानना था, मैं इतनी कनेक्टेड हुई अपने दादाजी की एनर्जी से, क्योंकि मुझे पता था मेरी हीलिंग से कनेक्टेड है। दीज आर पीपल जो मुझे देख रहे हैं अब, कि जो वो नहीं कर पाए, जो वो पेन सह के गए हैं मैं तोड़ू उसे। सेम विथ माई नानी, शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड आई सेंस दैट। और मैंने इनोवर किया और मुझे एक गाइडेंसेस आए, जैसे मैंने बताया था एक बार मैंने शेमन के साथ हीलिंग की थी, मुझे उसमें बताया गया था कि माय नानी इज लाइक शी इज, वो रो रही है कि उनका भी किसी ने इतना ध्यान दिया, उनको भी इतना किसी ने पूछा। सो दीज पीपल आर वेरी वेरी, एट सम पॉइंट वो रियलाइज करेंगे, वो अपने एंसेस्ट्री में, उसकी स्टोरी में, जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं, जो बताई गई स्टोरीज नहीं, क्या नहीं बताया गया, उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको गाइडेंसेज आई हैं कि आप ये जानो, उनको चीज़ें पता चल रही हैं जो उन्हें पहले पता नहीं थी। दैट इज़ देयर वे। और लास्ट ईयर अगेन मैं इंडिया में थी जब, तो मैंने सबसे पहली बार मैंने अपने, जो यूजुअली लड़कियां नहीं करती हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी के बिहाफ पे मैंने उस समय दान किया, वो जो एंसेस्टर्स का होता है पितृदान, मैं उन्हें एक्नॉलेज करना चाहती थी एज एन एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स, कि आई एम देयर, आई नो, आई एक्नॉलेज यू, आई सी यू, मुझे पता है, एंड मुझे पता है उन्हें वो हीलिंग गई है, मुझे पता है कि मेरे एंसेस्टर्स मेरे साथ हैं। और ये होता है एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स के साथ, उनकी एंसेस्ट्री उनके साथ होती है, ऊपर से ब्लेसिंग शावर कर रही होती है कि कोई जना है, दे वांट यू टू सक्सीड, वो चेयर ऑन कर रहे होते हैं आपको कि प्लीज, क्योंकि उन्हें पता है अब नहीं तो कभी नहीं, फिर पता नहीं कौन आएगा, कोई आएगा नहीं आएगा सदियों के बाद, कोई उनका पूरा सपोर्ट कि ये जना आया है, तो उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं, अपार्ट फ्रॉम डिविनिटी की ब्लेसिंग्स, डिविनिटी की गाइडेंस ऑफ कोर्स। तो आप ये हीलिंग वर्क कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ब्रेक करवाने के लिए, ब्रेक थ्रू करवाने के लिए, अपनी चेन्स और बॉन्डेजेस से छुड़वाने के लिए, जैसे आप छूटते हैं वो सब छूटते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी फैमिली अभी लिविंग है, जो पूरा परिवार, उनको अपना कर्मा नहीं झेलना पड़ेगा या उनके, लेकिन वो एनर्जी सब चीजों में घुसेगी। मे बी ट्रूथ दिख जाएगा, एक्सपोजर्स हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जो आपकी फैमिली में आगे गलत चीजों में फंसते वो अब बच जाएंगे, बहुत सारी चीजों की डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, एनर्जी चेंज, आपने कोर्स शिफ्ट कर दिया है। बाकी सबका अपना फ्री विल है, उनको करना है, लेकिन जो उस हीलिंग के लिए तैयार थे उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें जो डायनेमिक सेम वही स्टैग्नेंट वैसे ही चलते, बहुत कुछ आपने उनके अंदर बेसिकली जैसे होता है ना, फ्लो में कोई चीज चल रही है, स्टैग्नेशन में आपने पत्थर मार दिए हैं, आपने अंदर एक तीर फेंक दिया है, यू हैव शिफ्टेड दैट एनर्जी। और यहीं से दूसरा पार्ट है कि डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट, जब आप हीलिंग शुरू करते हैं, जब आप डीप जाना शुरू करते हैं, जब आपके थ्रू ये चीजें होने लगती हैं, तो फैमिली में अगेन आप और ज्यादा आउट होते जाते हैं, आप अलग फील करते जाते हैं, बिकॉज जो झुंड है वो झुंड, इमेजिन जो कोई एक नेगेटिविटी है, नेगेटिव पैटर्न है फैमिली में, नेगेटिव डायनेमिक्स है, वो मैं हमेशा बोलती हूँ सिर्फ उन लोगों को फायदा नहीं दे रहा होता जो उसको चला रहे हैं, जो एट द टॉप ऑफ द गेम है, जो पेट्रियार्क्स हैं, जिनकी पावर है सारी, सो टू से, उनको भी बेनिफिट कर रहा होता है, जो विक्टिम्स अपने आप को मानते हैं, जो इनेबलर्स होते हैं, जो वीकर लोग होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जो लोग साइकोलॉजिकली वीक होते हैं ऑफन वो बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो कावर्ड्स होते हैं ऑफन, वो सामने से नहीं बोलेंगे, वो सामने से विक्टिम प्ले करेंगे, लेकिन वो पीछे से आपके अगेंस्ट होंगे, वो पीछे से बातें करेंगे, वो पीछे से एनेबल करेंगे, या वो पीछे से इस डर में कि हम अलग ना हो जाए मेन फैमिली से, तो वो उस गलत फैमिली के साथ ही जुड़ जाएंगे, चाहे उनको पता भी है कि ये गलत है। सो इसलिए वो फैमिली की जो डायनेमिक चल रही होती है, एक जना नहीं चला रहा होता है, बहुत सारे जने उसमें मिले होते हैं, वो दाल काली इसलिए है क्योंकि उसमें सारे लोग मिलके उसको काला कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है, सो दैट्स व्हाट हैपेंस। एंड तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगता है, वैसे वैसे जो डिस्कम्फर्ट होता है फैमिली का, जो फैमिली के आसपास जो बम्पीनेस है वो शुरू हो जाती है, उसमें चीजें आने लग जाती हैं, जो ट्रूथ्स आने लग जाते हैं, या वो लोग अवेयर हो जाते हैं, जो डार्क एलिमेंट्स हैं स्पेशली फैमिली की, वो अवेयर हो जाते हैं कि आप ये पावरफुल काम कर रहे हैं, तो वो और हथकंडे अपनाना शुरू कर जाते हैं, इंक्लूडिंग दिस इंक्लूड्स स्मेयर गेम्स, दिस इंक्लूड्स कैंपेन्स अगेंस्ट यू, दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। सो ये सब होता है ताकि झूठ फैलाएं आपके बारे में, लोग गलत बातें करें, या अपने आप कुछ नेगेटिव प्लान्स हैच करें। एनीवे मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वो प्लान्स तो भगवान देख रहा होता है, ऊपर से देख रहा होता है, एक एक का कर्म उस इंसान को फेस होता है, जो किसी लाइट वर्कर या जो सोल जो गॉड का कोई काम करने आई अर्थ पे, या एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर जो स्पिरिचुअल ट्रूथ में रह के कोई काम कर रहा है, एक एक कर्मा उस इंसान का जो उसके अगेंस्ट नेगेटिविटी करने की कोशिश करता है, एक एक कर्मा फेस होगा उस इंसान को, और फेस होता है, यहीं पे फेस होता है। और वो फैमिली में जो वीक होते हैं, जो अंडरडॉग दिखते हैं फैमिली में, अपने एक्सटेंडेड फैमिली में आसपास, उनके लिए खड़े होने की कोशिश करते हैं। और ये लेसन भी वो धीरे धीरे सीखते हैं कि सबका कर्मा लेने की जरूरत नहीं है, फालतू की एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, जो आपको लग रहा है वेल मीनिंग है, क्योंकि आपको दिख रहा है वो इंसान के अंदर तक वूंड्स, उसकी अनहील्ड स्टेट, लेकिन वो इंसान नहीं सुनना चाहता है, वो इंसान तैयार नहीं है, उसका खुद का कर्मा है, उसकी खुद की फ्री विल है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट होने की जरूरत नहीं है, उसको खुद झेलने दो अपने लेसन सीखने दो। सो दिस लेसन कभी कभी आपको सीखना पड़ता है, मैंने भी सीखा है, बट अगेन एटलीस्ट एनर्जी से, इंटेंशन में, प्रेयर्स में वो विश करते हैं, क्योंकि इन्हें कई लोगों का पेन बहुत दिख रहा होता है कि वीक दिख रहे हैं, और उनको दिख रहा होता है कि जो पेन में है, जो विक्टिम एक्चुअली है, उन्हें ये भी नहीं पता कि हम विक्टिम है, वो गलत रास्ता चूज कर रहे हैं, या वो गैस लाइट हो जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो इंटरनली उनके लिए प्रे करते हैं कि अगर हमारी लाइट है, पावर है, जो भी है, अगर इनके इंसान की खुद की फ्री विल में आए, अगर ये वो सही रास्ता अपनाए, ये सच देख पाए, तो ऐसा जरूर हो, इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, विदाउट इंटरफेयरिंग इन दैट पर्सन फ्री विल और कार्मा। काइंड हार्टेड पीपल, बहुत कंपैशन, बहुत अंदर से गुडनेस, किसी के लिए मैलिस विश नहीं करते, लेकिन स्लोली दे रियलाइज दे ओन पावर, कि उसका मतलब ये नहीं है, गुडनेस का मतलब ये नहीं है कि उन्हें बेवकूफ बनना है, या सबको अपनी अच्छाई का प्रूफ देना है, या जो डिजर्व नहीं करता उस पर अपनी अच्छाई वेस्ट करनी है। हो सकता है बाहर एक्सटीरियर हार्श हो स्ट्रॉन्ग लोगों को, जिससे मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं इसमें काइंडनेस नहीं है, या क्योंकि प्लेन बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, इसलिए जो दिखता है हमेशा वो नहीं होता है। ऑफन जो लोग दिख रहे होते हैं बहुत अच्छे, या बहुत अच्छी बात करते हैं बहुत, वो ऑफन ऑफन हमेशा नहीं, ऑफन फेक होते हैं। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो हार्श होते हैं हमेशा वो अच्छे ही होते हैं। आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ दी स्पेसिफिक पीपल जो इस तरह का स्पिरिचुअल काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उन्हें खुश नहीं करना है किसी को, उनकी वैलिडेशन
सिर्फ और सिर्फ भगवान से आती है। दे आर हेयर ओनली टू प्लीज गॉड एंड टू बी गाइडेड बाय गॉड। वो भगवान से रिश्ता बनाते हैं अपना। दूसरों से अच्छे से बन सकता है तो वेरी गुड, क्योंकि ये उनकी इच्छा होती है, लेकिन नहीं तो वो उसके लिए अपनी ऑथेंटिसिटी एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो उनकी ऑफन नाइसनेस, जो गुडनेस होती है, उनके अंदर रहती है। एनर्जेटिकली वो उसको एक्सरसाइज करते हैं, एट द सेम टाइम वो गलत चीजों के लिए खड़े होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं लॉजिक का, जैसे मैंने शुरू से हमेशा किया है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ, मतलब कहानी बाकी है बट काम आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। मुझे बहुत सारी गाइडेंसेस आती हैं एंड आई नो माई एंसेस्टर्स आर रूटिंग फॉर मी, दे आर चेयरिंग ऑन, और बहुत बहुत हीलिंग आपस में सबको पास हुई है, और बाकी का कुछ भी बचा है वो भी भगवान बस करवाता जाएगा। सो वेल, दिस इज फॉर आप में से जो भी एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर्स हैं आए वहां पर, या जो कन्फ्यूज थे, आई होप इसमें से आपको समझ आएगा कि क्या आप एक्चुअली एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर हैं कि नहीं, या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर और आप उसको मिसअंडरस्टैंड करे थे, तो आई होप आप उन्हें अब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और अपना सपोर्ट, जेन्युइन सपोर्ट और गुड एनर्जी और प्रेयर्स उन्हें दे पाएंगे।